लुकेस मैं खुशी हूँ आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। जितने नहीं आए वोट्स शालिन और मान्या को उतने उससे भी ज्यादा आ चुके हैं सुंबुल खान को। चलिए आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तीन लोग इस हफ्ते जो है नॉमिनेटेड है। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन है आगे कौन है पीछे, कितने परसेंट वोट जो है जनता द्वारा आपके फेवरेट खिलाड़ी को मिल चुके हैं इस वक्त तक के। पर यहां पर अगर देखा जाए तो सुंबुल और जो शालिन है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग कंटेस्टेंट है, लोग उनकी काफी सारी बातें करते हैं। पर मान्या जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर नहीं बोला जाएगा कि लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं, तो इवन मान्या को भी डर लग रहा है कि वो इस बार जो है वो पक्का घर से बेघर होने वाली है। पर ऐसा लगता है कि शायद, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस बार कोई एक्चुअली में एविक्शन ही ना हो, क्योंकि कंटेंट भी देखा जाता है मान्या एक्चुअली में कंटेंट तो दे रही है, पर वहीं पर एक ट्रायंगल बनता हुआ जा रहा है जो कि बिग बॉस जो है चाहते हैं कि भाई कनेक्शंस बने घर में, दोस्ती बने, प्यार बने, दुश्मनी बने और ट्रायंगल्स बने। तो जहां पर सौंदर्या, मान्या और गौतम का एक ट्रायंगल बन रहा है, हालांकि गौतम और सौंदर्या एक दूसरे को प्यार तो करते हैं और एक दूसरे को देख रही हैं, पर वहां पर मान्या जो है अभी काफी ज्यादा लड़ाई सौंदर्या के साथ कर रही है, जहां पर सौंदर्या भी उनको देखना अभी पसंद नहीं कर रही है। इसके कारण ट्रायंगल बनते हुए जा रहा है। तो चलिए फाइनली मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आखिरकार मान्या को जनता द्वारा कितने वोट मिले हैं। 17% जनता ने जो है उनको वोट दिए हैं और शालिन को दिए हैं 27% वोट और सुंबुल को मिले हैं इन दोनों से कहीं ज्यादा 56%। तो आप लोगों ने किसको की है वोट, और आप लोग अगर अभी तक वोट नहीं कर पाए हैं तो जल्दी अपने फेवरेट सदस्यों को वोट कीजिए। फ्राइडे 11 बजे तक वोटिंग लाइन ओपन है। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत। नमस्कार।